हाय स्टूडेंट, हम वापस हमारा एक्सरसाइज दैट इज 13.1 चैप्टर 13 का कंटिन्यू करेंगे। हम अभी तक जो पार्ट 2 में देख चुके थे एक्सरसाइज 13.1 की क्वेश्चन 1 से 5 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द पास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई बट द पास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। जब एक शिप की मॉडल को हम जब बात करते हैं उसकी जो सेंटी शेडो जैसे बोले या कुछ उसका बोले तो वो 9 मीटर का बन रहा है जबकि सेंटीमीटर का बन रहा है, जबकि उसकी हाइट कितनी है पास ऑफ एक्चुअल शिप कितनी है 12 मीटर हाई है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 20 मीटर हाउ लॉन्ग इज द मॉडल ऑफ शिप। तो हमें निकालना है कि अगर एक शिप की जो 28 मीटर की आ रही है उसकी मॉडल ऑफ शिप कितना है पास विथ सेंटीमीटर हाई। शिप मास इज कितना है 9 सेंटीमीटर। एक्चुअल साइज जो है शिप की वो कितनी आ रही है एक्चुअल पास्ट ऑफ शिप कितना गिवन है दैट इज 12 मीटर। कितना गिवन है 12 मीटर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 20 मीटर हाउ लॉन्ग इज द मॉडल ऑफ द शिप। 20 मीटर गिवन है हमें निकालना है मॉडल तो ये कितना है एक मॉडल बनाया हुआ है उसकी शिप की जैसे 12 मीटर का है तो उसका मॉडल कितने मीटर का बना है 9 सेंटीमीटर। वहीं अगर 20 मीटर का मॉडल कितना बने तो उसका आ जाएगा एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू अपॉन वाई टू। वैल्यू हम जब रखेंगे तो 9 सेंटीमीटर अपॉन 12 मीटर इक्वल्स टू एक्स टू अपॉन 28 मीटर। एक्स टू की वैल्यू कितनी चाहिए 9 सेंटीमीटर इनटू 28 मीटर अपॉन 12 मीटर। मीटर मीटर कर जाएगा। ठीक है, that is 22.5
10 is the power 6. अगर मैं यहाँ पे decimal point में इस तरह move करूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा power increase हो जाएगी. तो मैं क्या लिखूँ इसको 2.25 10 to power 7. अब जब इसको मैं open कर दिया, मैं पहले last में नहीं देखा था, जब decimal point में इस तरह set कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये change हो जाएगा. मतलब decimal जब मैं अपने right side पे इस left side कर दूँ तो यहाँ पे power में exponents भी इंक्रीज हो जाएगा. chapter number 12 में discuss किया था exponents को करना करना, ठीक है. अब यहाँ पर वही क्वेश्चन, यहाँ पे क्या जाएगा 1.2, वैल्यू क्या जाएगी 5/3 का मिलेगा, ठीक है. चलो 5/3 का हो जाएगा 9 × 10^6 × 1.2 / 2. एडम 10.8 × 10^6 / 2. तो आंसर आएगा 5.4 × 10^6. कितना जाएगा 5.4 × 10^6. यहाँ मेरी वैल्यू 5.4 × 10^6. मैं यहाँ पे सिर्फ देख रही हूँ कि हमने लास्ट सेक्शन चैप्टर नंबर 12 में देखा कि स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक जैसे डेसिमल के आगे बाकी के डिजिट्स क्या हो डेसिमल के पीछे. यहाँ पर मेरा आ रहा था 22.5 आ रहा था, उसको मैंने स्विप किया और डेसिमल भी यहाँ की तरह स्विप किया. अगर 10^6 की जगह क्या हो गया, एक पावर और इंक्रीज होता है, दैट इज 10^7, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है जिसमें हमें शुगर की वैल्यू गिवन थी. केवल 2 के जी शुगर है, क्रिस्टल कितना होगा उसमें 9 × 10^6. अगर 5 के जी शुगर प्रेजेंट तो इसमें कितना आया हमारा 2.2 × 10^7. वही अगर 1/2 के जी शुगर जो है उसमें क्रिस्टल की अमाउंट कितनी होगी, दैट इज 5.4 × 10^6 क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे. वही अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, दैट इज रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर. उसके पास मैप बना है जिसमें गिवन है कि 1 सेंटीमीटर यानी 18 किलोमीटर का डिस्टेंस. सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट वुड हर डिस्टेंस नॉट इन द मैप. अगर उसे 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसने मैप के हिसाब से, दैट इज सेंटीमीटर के हिसाब से, उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है. Shadow of hope. हमको देखो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में मिक्सअप नहीं करना, इसमें क्या होगा
meter and centimeter both the mixture together. That is 95 meter 60 centimeter. Here you have 5 meter 60 centimeter. अगर मैं पूरा ये सेंटीमीटर में लेता हूँ या मैं पूरा का पूरा यूनिट में किसमें लेता हूँ मीटर में लेता हूँ ठीक है तो मैं सेंटीमीटर में लेना प्रेफर करती हूँ 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर ये यूनिट क्या हो जाएगा 5 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर 500 प्लस 60 कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर तो ओरिजिनल उसके हाइट ऑफ कितनी होनी चाहिए 560 सेंटीमीटर अपॉन जब उसकी पोल की शेडो पड़ रही है तो कितना हो रहा है दैट इज 320 सेंटीमीटर दैट इज 320 सेंटीमीटर इन ऑल 320 सेंटीमीटर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल दैट इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर कितना है 10 मीटर ये हो जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर 100 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा हमारे पास देखो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 तो 10 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर उसका भी बने तो 1000 प्लस 50 सेंटीमीटर जब तुम करोगे 50 सेंटीमीटर की बने तो कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा हमें ओरिजिनल दिया हुआ शैडो फाइंड आउट करनी है कि वो कितना शैडो फॉर्म करे तो 1050 अपॉन y तो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें गिवन है द हाइट ऑफ अ पोल व्हिच कास्ट अ शैडो 5 मीटर नाउ इसमें दिया हुआ 5 मीटर दिया हुआ है हमें निकालना है यूनिट का क्या करना है देख वो दिया हुआ था 5 मीटर 60 सेंटीमीटर 5 मीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर है मैंने सारी यूनिट किसमें ले लिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया किसमें कर दिया है सारी की सारी यूनिट को मैंने सेंटीमीटर में वो अलग अलग होता है इससे अब मैं इसको जब सॉल्व करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 560 अपॉन 320 इक्वल्स टू 1050 अपॉन y के लिए क्या निकलनी चाहिए 1050 इनटू 320 अपॉन 560 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 600 सेंटीमीटर कितना जाएगा 600 सेंटीमीटर दैट इक्वल्स टू 6 मीटर ठीक है 6 मीटर और तुम सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो ध्यान दो 600 सेंटीमीटर क्या लिखोगे 600 सेंटीमीटर क्लियर अब वही अगर मैं यहां पर ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है जब हमें शैडो गिवन है ओरिजिनल हाइट ऑफ पोल निकालना है क्या निकालना है ओरिजिनल हाइट ऑफ पोल 600 सेंटीमीटर के लिए सेट 6 मीटर अब यहां पर है 560 अपॉन 320 x2 अपॉन 500 तो x2 की वैल्यू कितनी है 560 * 500 अपॉन 320 इसको सॉल्व करके जब हम आंसर निकालते हैं तुम्हारा आंसर निकाल लेते हैं कट करके हम मैं निकाले तो 30 60 दैट इज 814 250 दैट इज 125 125 into 730 75 35 740 is 70 8 75 centimeter area that is 8 meter 75 centimeter कितना आंसर आ जाएगा 8 meter 75 centimeter हमारा आंसर होगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं दैट इज अ लोडेड ट्रक हैज ट्रैवल 40 किलोमीटर इन 25 मिनट्स 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने मिनट्स में कवर कर रहा है 25 मिनट्स में कर रहा है इफ द स्पीड रिमेन द सेम अगर उसकी जो स्पीड है वो सेम रह रही है तो हाउ फार क्या है इट ट्रैवल इन 5 आवर्स कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 आवर्स ये एक एक्सरसाइज के लिए हाइट ऑफ पोल हमें दी हुई थी दैट इज 5 सेंटीमीटर 500 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया था उसको मैं पूरे कन्वर्ट किसने किया दैट इज सेंटीमीटर तो 560 सेंटीमीटर अपॉन 320 सेंटीमीटर क्या दे रहा था वो शैडो फोर्स कर रहा था यहां पर हमें गिवन था 10 मीटर 50 सेंटीमीटर जब हमने 10 मीटर को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में पूरा करेंगे तो 1050 सेंटीमीटर आया क्रॉस करके कट किया तो 6 मीटर आंसर वही इस वैल्यू को दोनों इक्वेट करेंगे तब हमारा आंसर आया है 8 मीटर 75 सेंटीमीटर
the man who's in traffic, that is 14 km equals to 25 minutes given. Ye tumhe data de sakte ho abhi taki kabhi competitive paper mein do to ye sare tables ko apna kar to 14 km mein bachche 14 km mein 25 minute mein cover kare to 5 hours mein kitna kare jab 5 hours ki baat kare yahan pe screen hai to 1 hour equals to 15 minutes hai na so 5 6 30 that is 300 minutes mein kitna distance travel kare x equals to कितना जाएगा 40 किलोमीटर into 300 minutes upon 25 minutes 560 5152 that is 40 into 12 से distance निकालो तो तुम्हारा किलोमीटर में distance आ जाएगा ठीक है यहाँ मैं आंसर सॉल्व करके पूरा नहीं दे रही हूँ ठीक है तो तुम्हें क्या करना है निकालना है आंसर लिखा हुआ मेरे पास दैट इज 168 किलोमीटर है मल्टीप्लाई करो 168 किलोमीटर आएगा 48 प्लस करो 4 से तो दैट इज 168 किलोमीटर तुम्हारा आंसर है ठीक है कितना आ गया 168 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा 5 आवर्स में 300 मिनट्स तो यहाँ हमारे एक्सरसाइज दैट इज 13.1 खत्म हो गया नेक्स्ट सेशन में हम इनवर्स प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसके बाद उसकी एक्सरसाइज